नमस्कार दोस्तों, स्केचअप ट्यूटोरियल इन हिंदी के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी एक डिज़ाइन में हम लोग खिड़की दरवाज़ा कैसे जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ से मैंने रेक्टेंगल टू सेलेक्ट किया, जैसा कि मैं आपको शुरू से ही बताता आ रहा हूँ। अगर ये सब आपको नहीं आ रहा है तो आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, इसके लिए आपको लिंक स्क्रीन पर दिए रहेंगे, या फिर आप मेरे चैनल से डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल लिया और मैं कुछ अपना बेसिक डिज़ाइन एक बनाता हूँ, लाइक दिस। और मैंने यहाँ से इनके वॉल्स किए हैं। दोस्तों, ये सारे डिस्कशन मैंने पुराने वीडियोस में किए हैं कि ये सारे टूल्स के डिफिनेशन लाइक आप अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको आगे ट्यूटोरियल्स दिए जाएंगे। आप इसके लिए पहले बिगनिंग से स्टार्ट करें तो मेरे हिसाब से बेटर है। जैसा कि अभी हम लोग देखते हैं कि मूवीज में ज़्यादातर या फिर गेम्स में 3D बिल्डिंग्स, 3D कैरेक्टर्स का यूज़ किया जाता है, तो अगर आप इन सब में बेसिक जानेंगे तो आपको एक्चुअली उस फील्ड में भी आपको जॉब मिल सकती है। जैसे आपका अगर हॉबी है कि मैं डिज़ाइनिंग करूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करूँ, या कुछ भी जैसे कैरेक्टर बनाऊं गेम्स के लिए, विलेंस बनाऊं, हीरो बनाऊं, या फिर वेपन्स बनाऊं, तो आप इन सब टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हो गया आपको ऑटो कैड, सबसे बेटर है इन सब के लिए। तो अगर मैंने अभी जो सब किया, ये सब आपको हो सकता है दिक्कत हो अगर आप बिगनर हैं तो, और अगर इंटरमीडिएट हैं तब तो बेटर है। तो ये सब मेरे पुराने वीडियोस में दिए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। लाइक मैंने इससे पहले मैं कलरिंग का कंसेप्ट रखा था, बिकॉज कुछ लोगों ने कमेंट्स में दिए थे कि कलर कैसे किए जाते हैं, तो मैंने रिकमेंडेड वीडियो में कलरिंग का ऑप्शन निकाला था, बिकॉज वो मैं अभी निकालने वाला नहीं था। एक्चुअली ये मैंने इतना तक बताया था विदाउट कलर के, डन। तो ये दरवाज़ा हो गया, और एक चलिए एक खिड़की भी ले लेते हैं। खिड़की क्यों उठा रहे भाई, एक पीछे से भी खिड़की ले लेते हैं, ये मिडिल पार्ट में खिड़की ले लेते हैं, राइट। एक बड़ा सा विंडो जिससे कि आपके दरवाजे तक हवा आए। चलिए ये हुआ। करना क्या होता है कि जब भी हम ये इनको पुश पुल टूल के हिसाब से अगर सेलेक्ट करते हैं तो इसके एक साइड का हम देखेंगे कि एक साइड का लाइनिंग हट जाता है और एक साइड का बच जाता है। तो करना क्या है हम लोगों को कि इन साइड के लाइनिंग को फिर से ड्रॉ कर देना है। एल टूल के यूज से लाइन का वो लेंगे और इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए एक भरा हुआ आ जाएगा। इस भरे हुए डिजाइन में आपको क्या करना है कि ये ऑफसेट टूल का यूज करके एक इस टाइप का ये क्रिएट करना है। ये देखिए ये हो गया। और फिर से करना क्या है, यहाँ सेलेक्ट टूल लीजिए, सॉरी यहाँ से पुश पुल टूल लीजिए, और आप इसको थोड़ा सा अंदर कर दीजिए और इसको पूरा अंदर कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ से आप फिर इन सेलेक्ट को ले लीजिए और इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। ये देखिए एक दरवाजे के शेप में आ गया। तो इसको अगर हम कलर करेंगे तो एक परफेक्ट दरवाजा लगेगा। फिर इसमें ये दरवाजे का अभी सिर्फ फॉर्मेट हुआ है, इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दरवाजा एक्चुअल में कैसे बनाते हैं। ये देखिए मतलब तो लाइक एक वो एक दरवाजे का फॉर्मेट तैयार हो चुका है, राइट ना। अब देखिए दरवाजा कैसे बनेगा। तो फिर से हम लोग एल सेलेक्ट करके लाइनिंग टूल का यूज करेंगे। ये देखिए ये हो गया, इससे यहाँ तक मैंने दे दिया, ये बंद हो गया। एक्चुअली होता क्या है कि अगर एक रेक्टेंगल बना हुआ उसके बीच में अगर हम लोग फिर से लाइन ड्रॉ कर देते हैं बीच या फिर साइड में, तो वो भर जाता है, अपने शेप को फुलफिल कर देता है। अब इसमें करना क्या है, एक मिडिल सेंटर में लाइन ले लेना है हम लोग को। ये देखिए अब इसमें आप लोग ऑफसेट का यूज कर सकते हैं फिर से। ये ऑफसेट काफी अच्छा कंसेप्ट है स्केचअप में, ये नॉर्मली ऑटोकैड के पुराने वर्जन में अवेलेबल नहीं थे, और
और अभी न्यू में काफ़ी दिए हुए हैं। तो ये ऑटो कैड की फीचर्स की बात करें तो वो तो इसके मुकाबले कहीं ज़्यादा है दोस्तों। तो ये देखिए, ये एक हम लोग का दरवाज़ा तैयार हो चुका है। इसमें अब हम लोग अपने अनुसार कलर कर सकते हैं। ये देखिए, अगर दरवाजे का हम लोग को हैंडल बनाना है तो आप हाँ नॉर्मली इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ ऐसा एक ऐसा कर देंगे, ठीक है। और इसको फिर पुश पुल की मदद से थोड़ा थोड़ा उठा देंगे। इसको इधर से मैंने उठा दिया और मैंने एक सर्किल लिया, यहाँ बनाया, इसको मैंने इसमें ले आया। ये देखिए, ये हमारा ये दरवाजे का नॉर्मल सा एक हैंडल तैयार हो चुका है। तो हम लोग अगले पार्ट्स में देखेंगे कि छत कैसे डालते हैं और एक डिज़ाइन को मैसअप कैसे करते हैं, दैट मीन्स कि सजाते कैसे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।